पार्ट ट्रांसक्रिप्शन तो पहले तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। आर एन ए यानी कि जब हमारा डीएनए आर एन ए में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन सो दिस इज अवर डीएनए अब इस डीएनए को बनाना है आर एन ए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन ये जो प्रोसेस होगा ये कुछ एंजाइम्स की हेल्प से होगा उन एंजाइम्स का नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरीज क्लियर अब हमारे ट्रांसक्रिप्शन में तीन स्टेप्स होते हैं पहला होता है इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप होता है इलोंगेशन और लास्ट थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन इनिशिएशन मतलब कुछ शुरू करना यानी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत इनिशिएशन से होगी इलांगन यानी किसी चीज को इलोंगेट करना यानी आरएनए का इलांगेशन इस स्टेप में होगा थर्ड स्टेप टर्मिनेशन यानी किसी चीज को रोक देना यानी इस स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन आके रुक जाएगा अब एक चीज और ट्रांसक्रिप्शन हमने बोला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से होगा पर ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस पे एक्ट करेगी जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यानी ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजें आती हैं। पहला प्रोमोटर प्रोमोटर इज समथिंग जो किसी चीज को प्रोमोट करेगा यानी इनिशिएशन का जो स्टेप है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा प्रोमोटर पे सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स वो जीन्स होते हैं जो किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी इलांगेशन का जो स्टेप होगा वो होगा स्ट्रक्चरल जीन्स पे और थर्ड यूनिट होती है टर्मिनेटर और टर्मिनेटर क्या करेगा किसी भी चीज को रोक देगा यानी टर्मिनेटर पे कौन सा स्टेप होगा हमारा लास्ट स्टेप नोन एज टर्मिनेशन क्लियर अब इसको उठा के साइड में रख देते हैं नाउ लेट्स चेक कि इन तीनों स्टेप्स में एक्चुअली होगा क्या तो सबसे पहले तो हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और जो हमारा आर होता है वो हमारा होता है सिंगल स्टैंडर्ड तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अगर हमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना है तो इसका मतलब ये है कि डीएनए का एक ही स्ट्रैंड आर बनाएगा और दूसरा स्ट्रैंड आर नहीं बनाएगा यानी अगर हमारा ये डीएनए है एक तरफ है इसका फाइव प्राइम एंड एक तरफ है इसका थ्री प्राइम एंड और एक तरफ है फाइव प्राइम एंड और एक तरफ है थ्री प्राइम एंड तो डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड हमारा आरएनए में ट्रांसक्राइब होगा क्लियर अब जो स्ट्रैंड हमारा आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो स्ट्रैंड हमारा आरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होगा उसे हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, क्लियर अब आगे क्या होगा सपोज हमारा ये डीएनए स्ट्रैंड हमें मिल गया फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और हमें पता है कि जितनी भी पॉलीमरेज एंजाइम्स होती हैं वो जो अपना एक्शन करती हैं अपना सिंथेसिस करती हैं वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में करती हैं यानी ये जो आर एन ए पॉलिमरेज होगी ये जाके फाइव प्राइम एंड पर अटैच हो जाएगी ये हमारी आर एन ए पॉलिमरेज जुड़ गई अब ये आर एन ए पॉलिमरेज जब थ्री प्राइम एंड पर जुड़ जाएगी तो वहां से अपना इलांगन स्टार्ट करेगी यानी आर एन ए सिंथेसिस स्टार्ट करेगी एन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन अब ये थ्री प्राइम एंट पे क्यों जुड़ी बिकॉज वी नो कि प्राइम के सामने प्राइम एन आता है पोलिमरेज थ्री प्राइम एंड पे जुड़ेगी तभी ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में आर एन ए सिंथेसिस कर पाएगी मगर ये आर एन ए पॉलिमरेज थ्री प्राइम एंड पे अकेले नहीं जुड़ती इसके साथ जुड़ता है एक और चीज जिसे बोलते हैं हम सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर प्लस आर एन ए पॉलीमरेज ये जाके जुड़ जाएंगे थ्री प्राइम एंड पे थ्री प्राइम एंड पे भी कहा प्रोमोटर रीजन पे क्लियर तो इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ थ्री प्राइम एंड पे प्रेजेंट प्रमोटर रीजन पे हमारा आर एन ए और सिग्मा फैक्टर आके जुड़ गए सिग्मा फैक्टर क्यों क्योंकि आर एन ए सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ही ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करेगी इसीलिए सिग्मा फैक्टर आना इम्पोर्टेंट है तो इनिशिएशन में थ्री प्राइमेंट पे प्रमोटर रीजन पे सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होकर ये था हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज इनिशिएशन अब जब इनिशिएशन हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगी और न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज सबस्ट्रेट यूज करके आरएनए का सिंथेसिस यानी आरएनए का इलांगन करेगी तो आ जाते हैं हमारे सेकेंड स्टेप पे यहाँ पर हमारे पास है ये अगेन हमारा डीएनए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम यहाँ पर है हमारा प्रमोटर जिस पे हमारी जुड़ी हुई है आरएनए पॉलीमरेज अब ये आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स यानी ए जी सी और यू इनको यूज करके हमारे आरएनए का इलोंगेशन करेगी ठीक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग आरएनए पॉलिमरेज एक न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में दूसरा न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट अटैच करती चली जाएगी कैसे अगर यहाँ डीएनए पे ए होगा तो इसके सामने आ जाएगा यू अगर यहाँ पे डीएनए पे टी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए अगर यहाँ डीएनए पे जी होगा तो यहाँ आ जाएगा सी और अगर यहाँ सी होगा तो यहाँ आ जाएगा जी इसी तरह से हमारा आर एन करता जाएगा तो so, इलोंगेशन में आर एन ए पॉलिमरेज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की हेल्प से आरएनए का आरएनए का सिंथेसिस करेगी क्लियर अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे थर्ड स्टेप पे अगेन हमारा है डी एन ए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम यहाँ पे हमारी आर एन ए पॉलीमरेज आर एन ए सिंथेसिस करती आ रही है अब आर एन ए पॉलिमरेज जाके पहुंच जाएगी फाइव प्राइम पे टर्मिनेटर रीजन पे और टर्मिनेटर रीजन पे जब हमारी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुंच जाएगी तो इससे आकर एक और फैक्टर जुड़ जाएगा जिसको बोलते हैं रो फैक्टर जैसे इनिशिएशन में इनिशिएट आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है तो ऐसे ही टर्मिनेटर में टर्मिनेशन आरएनए पॉलीमरेज के साथ हमारा रो फैक्टर प्रमोट करता है तो रो फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज तो जब आर एन ए पॉलीमिट टर्मिनेटर रीजन पे रो फैक्टर के साथ जुड़ जाएगी तो यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा आर एन ए का जो स्ट्रैंड होगा वो सेपरेट हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे एम आर एन ए क्लियर और फिर इससे फर्दर प्रोटीन बनेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन अब ये जो हमने पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा इनिशिएशन इलांगन टर्मिनेशन ये सिंपल ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोट्स में यूकेरियोट्स में भी सेम स्टेप्स होते हैं पर यूकेरियोट्स में तीन चीजें डिफरेंट होती हैं यूकेरियोट्स में क्या होता है यह है हमारा यूकैरियोटिक सेल जिसमें यह है न्यूक्लियस और यह है साइटोप्लाज्म अब यूकेरियोट्स में क्या होता है जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है यानी डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा पर आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो बनता है साइटोप्लाज्म में यानी अगर आरएनए के बाद हमें प्रोटीन बनाना है तो हमें आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाना पड़ेगा क्लियर एक ये स्टेप एक्स्ट्रा है जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो वहां पे आरएनए सिंथेसिस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन सब एक ही जगह होता है पर यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है न्यूक्लियस में और जो प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में जिसके लिए हमें आरएनए को साइटोप्लाज्म में लेके आना पड़ेगा तो ये एक्स्ट्रा स्टेप हो गया ऑल्सो जो यू डीएनए होता है इससे जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है तो इस पे दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं एक्सॉन्स प्लस इंट्रॉन्स Introns जो होते हैं वो नॉन एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस होते हैं जबकि जो एक्स होते हैं ये हमारे एक्सप्रेसिव सीक्वेंस होते हैं यानी हमारी बॉडी में सिर्फ एक्जॉन्स एक्सप्रेस होते हैं और इंट्रॉन्स एक्सप्रेस नहीं होते यानी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें सीक्वेंस चाहिए वो सिर्फ एक्जॉन्स है इंट्रॉन्स की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है हमारी बॉडी इन द सेंस यू कैरियोटिक सेल को इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं है इसीलिए सेकेंड स्टेप जो फालतू तो हो जाएगा यू में प्रो से वो ये हो जाएगा कि नॉन एक्सप्रेसिव सिक्वेंस इंट्रॉन्स को इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से रिमूव करना पड़ेगा तो यू में प्रो से अलग दो स्टेप्स हो गए एक तो आर को साइटोप्लाज्म में लेकर आना पड़ेगा और दूसरा हो जाएगा कि इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा तो उसके लिए हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं पहला होता है स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग में क्या होता है ये जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इसमें से हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और जब एंट्रॉन्स को इसमें से रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एच एन आर एन ए तो जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में से हम एंजाइम्स की हेल्प से इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनता है इसमें सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं एच क्लियर अब ये एच हमारा है यहाँ न्यूक्लियस में इस एच को हमें लेके आना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में अब कोई भी चीज अपना ओरिजिनल घर छोड़कर अपनी ओरिजिनल जगह छोड़कर किसी नई जगह जाएगी तो उसे कुछ प्रोटेक्शन चाहिएगी तो ऐसे ही जब हमारा एच एन आर एन ए न्यूक्लियर छोड़ के साइटो आएगा तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे तो उस मॉडिफिकेशन में दो स्टेप आते हैं जिसका पहला स्टेप है या हम बोले यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप सेकेंड डिफरेंट स्टेप है वो है कैपिंग तो कैपिंग में क्या होता है ये जो हमारा एच एन आर एन ए है इस एच एन आर एन ए के फाइव प्राइम एंड पर कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी और वो चीजें क्या है यहाँ पे कुछ ऐड हो जाएगा फाइव प्राइम एंड पर जिन्हें हम बोलते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे फाइव प्राइम एंड पे हमारा मिथाइल ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ जाएगा और इस स्टेप को हम बोलते हैं कैपिंग कैपिंग क्यों? क्योंकि प्राइम एंड पे, यानी उसके हेड पर हमने एक मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जो हमारे एच एन आर एन ए को इस एंड पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग अब जो थर्ड स्टेप होता है फाइनली वो होता है टेलिंग टेलिंग में भी कैपिंग जैसा ही कुछ होगा ये है हमारा एच एन आर एन ए ये है इसका थ्री प्राइम एंड फाइव प्राइम एंड फाइव प्राइम एंड पे है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट अब थ्री प्राइम एंड पे हमारा पॉली ए टेल एड होगा यानी एडिनाइल रेसिड्यूज एड होंगे अराउंड टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड और इस टेल को यानी थ्री प्राइम एंड को हम बोलते हैं पॉली ए टेल और अगेन थ्री प्राइमेंट को एडिनाइल रेसिड्यूस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे टेल क्लियर यू कैरियोट्स में प्रो से अलग तीन स्टेप्स होते हैं पहला स्प्लाइसिंग जिसमें हम इंट्रॉन्स नॉन एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस को रिमूव कर देते हैं और उसे बोलते हैं एच एन आर एन ए फिर एच एन आर एन ए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाजमा जाना पड़ता है तो उसकी मॉडिफिकेशन करनी जरूरी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसमें पहला होता है कैपिंग जिसमें हम फाइव एंड पे मिथाइल ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं और सेकेंड होता है टेलिंग जिसमें हम थ्री एंड पे एडिना रेसिड्यूज ऐड करते हैं अराउंड टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड और उसको बोलते हैं पॉली एटे और अब जो यहाँ पे आर एन ए बन गया इसको हम बोलेंगे एम आर एन ए और यही एम आर एन ए अब आगे जाके बनाएगा प्रोटीन क्लियर ये जो कैपिंग और टेलिंग है इन दोनों स्टेप्स को हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन तो अब इसको प्रॉपर लैंग्वेज में चेक कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आर एन ए फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलिमरेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलिमरेज एंजाइम सेकेंड आउट ऑफ द टू स्ट्रेंड ऑफ डीएनए ओनली वन स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब इन टू दर एन ए डीएनए की दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रेंड आर एन ए बनाता है क्यों क्योंकि अगर हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आर एन ए बनाएंगे तो हमारे पास दो तरह के आर एन ए बनेंगे और अगर दो तरह के आर एन ए बनेंगे तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनेंगे और अगर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनेंगे तो हमारे सेल में अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा ऑल्सो क्या होगा ये जो दो आर बनेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये आपस में बॉन्डिंग शो करेंगे और अगर बॉन्डिंग शो करेंगे तो हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा यानी प्रोटीन नहीं बनेगा क्लियर इसीलिए डीएनए का एक ही स्ट्रैंड हमारा आर बनाता है Transcription takes place with the help of transcribing unit which consists of a promoter structural gene and the terminator transcription consists of 3 steps initiation elongation and termination it takes place in different ways in prokaryotes and eukaryotes. In first step, that is initiation, sigma factor binds to the promoter region to which RNA polymerase binds and starts transcription, that is initiation. Then, using nucleoside triphosphates following the complementary rule, elongates the RNA, yani elongation. After reaching at the terminator, another factor named rho factor binds to the enzyme and terminates the process. Since in prokaryotes transcription and translation takes place in single site, there is no need of modifications. But since in eukaryotes transcription and translation takes place at different sites, there is a need of modifications. These modifications are splicing, capping and tailing. In splicing, introns are removed from the RNA, that is primary transcript. Spliced RNA is known as HNRNA. HNRNA is modified at its both ट्रांसक्रिप्शन इज कम्पलीट सो अवर बी पार्ट इज पॉलीमोर्फिज्म पॉलीमोर्फिज्म का मतलब होता है बेटा वेरिएशन और अब क्योंकि यहाँ पर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो पॉलीमोरफिज्म आर द वेरिएशंस इन द डीएनए जब हमारे डीएनए में वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं तो उस फिनमिना को हम बोलते हैं पॉलीमोर्फिज्म ये जो वेरिएशन होते हैं ये जनरली म्यूटेशन की वजह से होते हैं ड्यू टू म्यूटेशन जब म्यूटेशन होगा हमारे डीएनए में तो कुछ चेंजेस होंगे और अगर डीएनए में चेंजेस होंगे तो वेरिएशन आएंगे और उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं पॉलीमोर्फिज अब ये जो म्यूटेशन होते हैं जनरली नॉन एक्सप्रेस्ड पार्ट में होते हैं यानी डीएनए का वो सीक्वेंस जो एक्सप्रेस नहीं होता नॉन एक्सप्रेस्ड रहता है ये म्यूटेशन जनरली उसी पार्ट में होते हैं क्यों क्योंकि अगर एक्सप्रेस पार्ट में होंगे तो वो हमारे जो एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर है उसमें म्यूटेशन कॉज करेंगे जिससे कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी को होगा पर अगर नॉन एक्सप्रेस सिक्वेंसेस में म्यूटेशन होंगे तो उससे हमारी बॉडी पे हमारी फंक्शनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अब पॉलीमोर्फिज्म का एग्जाम्पल है एस एन पीज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोरफिज्म ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में सिंगल न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशंस होते हैं उसको बोलते हैं एस एन पीस ये पॉलीमोफिज्म लार्ज स्केल पे भी हो सकता है ये जो पॉलीमोरफिज्म है ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से डीएनए में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस डिटेक्ट कर सकते हैं सो दिस वाज आवर पॉलीमॉर्फिज्म लेट्स चेक पॉलीमारफिज रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दैट कैन अकर अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म एक स्पेसिफिक डीएनए में वेरिएशंस हो सकते हैं जो कि टू भी हो सकते हैं मोर देन टू भी हो सकते हैं बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन The most common type of polymorphism involves variation at a single nucleotide, also called as single nucleotide polymorphism or SNP. Clear to most common example of polymorphism ka? SNP, also known as single nucleotide polymorphism. अदर पॉलीमोर्फिज्म कैन बी मच लार्जर इन्वॉल्विंग लॉन्गर स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये डीएनए के लॉन्गर सीक्वेंसेस पे भी हो सकता है पॉलीमॉरफिज्म अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशंस इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज रेफर्ड टू एस डीएनए एन अगर एक म्यूटेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इनहेरिट हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसको हम डी एन बोलते हैं The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutations in these sequences may not have any immediate effect, impact in an individual's reproductive ability. यानी पॉलीमॉर्फिज्म जिन म्यूटेशन की वजह से होता है वो म्यूटेशन जनरली नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस में होते हैं क्योंकि अगर ये म्यूटेशन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में होंगे तो उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेंगे

डी एन ए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एस ब्लड हेयर फॉलिकल स्किन बोन्स लाइवर्स एक्सेट्रा फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हमारी बॉडी का हर एक टिश्यू उसका हर एक जेनेटिक मटीरियल सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा दे बिकम वेरी सक्सेसफुल आईडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन फॉरेंसिक एप्लीकेशन में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है The polymorphism are inheritable from parents to children. DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in case of disputes. क्योंकि polymorphism एक पेरेंट से चिल्ड्रन में inheritable है, तो DNA fingerprinting की help से हम पता लगा सकते हैं कि किसी चाइल्ड का पेरेंट कौन है। पॉलीमोर्फिज्म इन डी एन ए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से हम ह्यूमन जीनोम को कोड कर सकते हैं और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में पॉलीमोर्फिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर इवोल्यूशन एंड स्पीसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल पॉलीमोर्फिज्म इवॉल्यूशन और स्पेसिएशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सी पार्ट इज ट्रांसलेशन तो सबसे पहले तो वॉट इज ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एम आर एन एम आर एन ए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन ठीक है यानी जब हमारा एम आर एन ए प्रोटीन बनाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन ये होता है राइबोजोम में वी ऑल नो दैट राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो जो ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है एम से वो होता है राइबोसोम में अब राइबोसोम दो सब यूनिट का बना होता है एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट में फर्दर साइट्स होती हैं जिन्हें हम ए साइट पी साइट और ई e साइट बोलते हैं अब ट्रांसलेशन में होता क्या है तो सबसे पहले तो ये है हमारा एम आर एन ए इस एम आर एन ए पे हमारे राइबोसोम की लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच हो जाती हैं। दिस इज लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट पे हमारी होती है साइट ए साइट पी साइट एंड ई साइट अब ट्रांसलेशन में फर्दर तीन स्टेप्स होते हैं फर्स्ट इनिशिएशन सेकेंड इलोंगेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन तो हर एक स्टेप को एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहला स्टेप है इनिशियेशन इनिशिएशन में क्या होता है इनिशियशन में सबसे पहले हमारे पास होता है अमीनो एसिड अमीनो एसिड जाके जुड़ जाता है टी आर एन ए से अमीनो एसिड हमारे टी आर एन ए से जुड़ जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए तो सबसे पहले हमारा एमिनो एसिड जाकर टी आर एन ए से जुड़ जाएगा और उस स्टेप को हम बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए अब कौन से टी आर एन ए से कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा ये एकदम स्पेसिफिक होता है ऐसा नहीं होता कि कोई भी अमीनो एसिड आके किसी भी टी आर एन ए से जुड़ जाएगा एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड आके एक स्पेसिफिक टी आर एन ए से जुड़ेगा जिस स्टेप को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए और अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा या ये जो टी आर एन ए बन जाएगा इसको हम बोलेंगे चार्ज टी आर एन ए अब क्या होगा ये जो चार्ज टी आर एन ए होगा ये जाएगा राइबोसोम की ए साइट पर तो फिर से हम एम आर एन ए ड्रॉ कर लेते हैं ये है एम आर एन ए और इसके ऊपर ये है हमारा राइबोसोम यहां पर है हमारी ए साइट यहां पर है पी साइट और यहां पर है ई e साइट अब ये जो चार्ज टी आर एन ए होगा वो यहां पे आके जुड़ जाएगा दिस इज अवर चार्ज टी आर एन ए इस ए भी है और हमारा अमीनो एसिड भी तो यहाँ पर हमारा इनिशिएशन स्टेप कंप्लीट होगा सेकेंड स्टेप में होगा इलांगेशन इलोंगेशन में राइबोसोम आगे आगे एम आर एन ए पे मूव करता रहेगा जिसमें ये जो टी आर एन ए होगा एम आर एन ए पे प्रेजेंट जो सीक्वेंस होगा दैट इज सपोज ए यू जी जो पहला टी आर एन ए होता है वो ए यू जी कोडॉन पे आके जुड़ेगा और बनाएगा मिथ्योन ये टी आर एन एम आर एन ए पे प्रेजेंट कोडॉन्स को रीड करेगा और बनाएगा अमीनो एसिड दैट इज मिथ्योन ए यू जी इज अवर स्टार्ट कोडॉन वट इज स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट कोडॉन इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर ट्रांसलेशन बिगिन तो हमेशा ट्रांसलेशन इस ए यूजी सीक्वेंस पे बिगिन होगा अब हमारा पहला एमिनो एसिड बिल्कुल रेडी हो गया अब ये वाला जो टी आर एन ए होगा ये मूव कर जाएगा ए साइट से पी साइट पर और यहाँ पर हमारा नया एमिनो एसिड आ जाएगा यानी जो हमारा पहला चार्ज टी आर एन ए था ये पी साइड पर मूव कर जाएगा और यहां पर हमारा नया टी आर एन ए आ जाएगा कैसे ये जो हमारा पुराना टी आर एन ए था वो यहां पर आ गया पी साइड पे, अब यहां पर आ जाएगा हमारा नया चार्ज टी आर एन ए और ये बनाएगा दूसरा अमीनो एसिड अब इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड और सिमिलर प्रोसेस में हमारे टी आर एन ए आगे आगे मूव करते रहेंगे क्योंकि हमारा राइबोसोम आगे आगे मूव करता रहेगा और ऐसे ही अमीनो एसिड बनते रहेंगे और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा इस स्टेप को हम बोलते हैं इलांगेशन अब थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन टर्मिनेशन पे राइबोसोम फाइनली जिस कोडॉन पे पहुंचता है उसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन और स्टॉप कोडॉन कोई भी अमीनो एसिड सिंथेसाइज़ नहीं करेगा और क्योंकि वो कोई भी अमीनो एसिड सिंथेसाइज़ नहीं करेगा तो कोई भी टीआरएनए आर आके वहां पे नहीं जुड़ेगा तो ये जो पूरी हमारी पेप्टाइड चेन होगी राइबोसोम से बाहर चली जाएगी साइटोप्लाज्म में और हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज़ हो जाएगा सो लेट्स चेक द ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड यानी जब अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन इट टेक्स प्लेस इन द राइबोसोम ये राइबोसोम में होता है द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएज एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन हमारे राइबोसोम में स्ट्रक्चरल आरएनएज भी प्रेजेंट होते हैं और 80 डिफरेंट प्रोटीन्स भी इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट जनरली हमारा राइबोजोम इनएक्टिव होता है और जब इसकी लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जुड़ जाती हैं तब हम उसे बोलते हैं एक्टिव राइबोजोम वेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स इन एम आर एन ए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एम आर एन ए टू प्रोटीन बिगेंस जब स्मॉलर सब यूनिट एम आर एन ए से जुड़ेगी तो ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा यानि एम आर एन ए से प्रोटीन बनना शुरू होगा उसके बाद आके वहाँ लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी दर्डर एंड सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एम आर एन ए इन द फर्स्ट फेज अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक्ड स्पेसिफिक टीआरएनए अ प्रोसेस कॉमनली नोन आज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एन ऑफ टीआरएनए यानी अमीनो एसिड आके जुड़ जाएगा टीआरएनए से इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टी या फिर अमीनोसाइलेशन ऑफ टी There are two sites in large subunit for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other.

Some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated regions or UTR. हमारे जो एम होते हैं उनमें कुछ सिक्वेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं अन ट्रांसलेटेड रीजन्स या फिर यू टी आरस द यू टी आर आर प्रजेंट एट बोथ फाइव प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट को डाउन एंड एट थ्री प्राइम एंड आफ्टर स्टॉप को डाउन दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशेंट ट्रांसलेशन प्रोसेस जो हमारे ये अन ट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं ये हमारे स्टार्ट कोडाउन से पहले भी प्रेजेंट होते हैं फाइव प्राइम एंड पे और स्टॉप कोडाउन के बाद भी प्रेजेंट होते हैं थ्री प्राइम एंड पे फॉर इनिशिएशन द राइबोजोम बाइंड टू द एम आर एन एट द स्टार्ट कोडाउन ए यू जी दैट इज रिकोगनाइज ओनली बाय द इनिशिएटर टी आर एन ए तो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन कौन से कोडॉन से होता है ए यू जी से

इलांगेशन होता है उसमें क्या होता है जो हमारा टी आर एन ए होता है वो ए से पी साइड पे मूव करता रहता है और ए साइड पे नए टी आर एन ए आते रहते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस होता रहता है और टी आर एन ए अपनी एंटी कोडॉन की हेल्प से एम आर एन ए पे प्रेजेंट कोडॉन को रीड करता है और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है द राइबोजोम मूव फ्राम कोडोन टू कोडाउन अलोंग द एम आर एन ए अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन ट्रांसलेटेड इन टू पॉलीपेप्टवेंसेज एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडाउन टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कम्पलीट पॉलीपेप्ट फ्राम द राइबोजोम एंड में एक रिलीज फैक्टर आके हमारे स्टॉप कोडाउन से जुड़ जाता है और पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी प्रोटीन चेन जो राइबोजोम में बनी है वो राइबोजोम से बाहर साइटोप्लाज में आ जाती है क्लियर नाउ लेट्स चेक द डायग्राम ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ पर टी आर एन ए ये वाला जो टी आर एन ए है ये नया आया है पीछे से पी साइड पे जो टी आर एन ए है ये पेप्टाइड चेन बनाता जा रहा है राइबोसोम एम आर एन ए पे आगे की तरफ मूव करता जाएगा और फाइनली जब स्टॉप को डाउन आ जाएगा तो ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगा सो दिस वॉज ट्रांसलेशन मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूज कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एंड ओकेजनली इंजीनियरिंग अप्रोचेस इन एनालाइजिंग बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो ब्रांच है जो कंप्यूटर्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और इंजीनियरिंग अप्रोचेस को यूज़ करके बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को रीड करता है उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है दस बायो डील्स विद स्टोरेज रिट्राइवल एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड टूल्स तो यानी बायो हमारे बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करता है उसका एनालिसिस करता है उसका इंटरप्रटेशन करता है यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड टूल्स फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस किया था तो उन सब सिक्वेंसेस को हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर और टूल्स को यूज करके स्टोर किया है सो दिस वॉज आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस थैंक यू